कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ संगीता, आप सभी को स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग वीडियो पे। तो आज ही संडे, तो संडे के मॉर्निंग से ही मैं ब्लॉग जो है बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले मैं जाऊँगी किचन में, आज खाना बनाऊंगी और घर का जो सारा काम है कम्प्लीट हो चुका है। घर नीट एंड क्लीन है मेरा और हस्बैंड जाएंगे 2 बजे ड्यूटी, तो जल्दी जल्दी मुझे आज खाना बनाना है। तो वो गया है मटन लाने के लिए, वो जब तक मटन लेके आते हैं तब तक मैं वो सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाएंगे। और आज बच्चों की पिकनिक है शाम को, तो वो वाला वीडियो भी मतलब इसमें आप लोग से मैं शेयर कर दूंगी। तो देखिए चावल तो ऑलरेडी बन गया है हम लोगों का, सुबह ही चावल बन गया था। और जो न्यू ईयर के दिन पुलाव बनाया था ना, वो पुलाव भी थोड़ा सा है फ्रिज में, तो ज़्यादा कुछ तो बनाना है नहीं, सिर्फ मटन बनाऊंगी। और आज शायद अलमीरा भी आएगा रंग करने के लिए, हम लोगों ने दिया था। तो ये देखिए पूरा धूप आ रहा मेरे घर में, इधर से पूरा अंधेरा लगता है ना फेस। अब लाइट आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स अभी लंच का टाइम हो रहा है, तो लंच बनाइए, संडे का ब्लॉग है। और मेरी आवाज़ सबको पता होगा, मुझे इतनी ज़ोर से सर्दी पकड़ी है कि मैं मतलब अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वीडियो में मैंने वॉइस ओवर नहीं दिया था फ्रेंड्स। और वीडियो ये थोड़ा लेट जा रहा है, संडे का वीडियो है तो मंडे ट्यूसडे को भी मैं नहीं डाल पाई, तो सीधा वेडनेसडे को डाला। और ये सब लाए थे वो गॉट इंटेस्टाइन, तो उसको बनाया था। और मटन इस शाम का टाइम का वीडियो है जहाँ पे हम लोग चूल्हा धरा रहे थे और कोयले वाला, बच्चों का पिकनिक था छोटे बच्चों का, तो सारे बच्चे मिलके ये पिकनिक बना रहे थे। तो मैं बड़ी दीदी हूँ तो थोड़ा हेल्प कर देती हूँ उन लोगों को, तो चूल्हा वगैरह धरा दिया था मैंने और बच्चे लोग यहीं पर खड़े हैं सब। और ये देखिए हम लोग किस तरह से चूल्हा धराते हैं, ये सब पूरा कोयला है, मतलब ये जो कच्चा कोयला रहता है ना उसको भट्टी लगा के उसको फिर पानी में भिगो के रखना पड़ता है, तब वो पूरा कोयला बनता है। इससे क्या होता है ना, जल्दी थोड़ा कोयला मतलब फास्ट, जैसे सुबह सुबह जल्दी आपको धराना है तो आप इस प्रकार से धरा सकते हो, तो ये जल्दी कोयला हो जाता है। और ये देखिए मैं दूसरे चूल्हे जो मिट्टी वाला में, उसमें कच्चा कोयला जो है ना वो धराऊंगी, तो इसी वजह से देखिए ये थोड़ा कच्चा कोयला है उसको धराएंगे हम लोग। और इसकी धुआं मेरी आँख में लग रहे थे, तो इसी वजह से मैं थोड़ा अभी मुझे बहुत जैसे ठंड लगी हुई है, तो वीडियो तो डालना पड़ेगा ही। तो ये संडे का वीडियो था, आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और मैं वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं आगे मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इतनी ज़ोर से मुझे सर्दी लगी और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 4 महीना बाकी है मेरा वास्ट टाइम मुझे पूरा करना है, नहीं तो फ्रेंड्स मेरा गया चैनल और मोनो भी नहीं हो जाएगा, हो पाएगा। और ख़ुद को ख़राब लगता है कि 2 साल होने चला चैनल मोनो भी नहीं हो पाया, ऐसा ख़राब नसीब है। और छोड़ो ये सब बातें तो होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये कच्चा कोयला है, ये सब दे रहे थे उसमें पूरा कोयला है, तो मेरे भाई लोग मुझे हेल्प कर, तो मैं उन्हें डांट रही थी कि कोयला का हाथ मत हो तुम लोग। तो ये कोयला थोड़ा बड़े बड़े थे, तो मैं उसी में पीट पीट के तोड़ तोड़ के जो है लगा रही थी। तो ये सब करने के बाद हम लोग खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं, चावल दाल और चिकन बन रहा था बच्चों के लिए, तो सारे बच्चे इतने सारे पानी हम लोगों ने भरा है फ्रेंड्स। आज बच्चों का पिकनिक है, न्यू ईयर के दिन नहीं बना पाए, फ्राइडे को मेरा नॉनवेज नहीं बनता है, सो इसी वजह से बच्चों लोगों ने पिकनिक नहीं बनाया था, तो आज बच्चे लोग बना। मैंने आप लोग से कहा ना पूरा कोयला जो होता है ना जल्दी धर लेता है, तो देखिए कितनी अच्छी से आग हो चुका है। और ये हाय गाइस, गुड इवनिंग, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हे गाइस, तो अभी टाइम पूरा है, चलिए मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। और अभी बज रहे हैं 5:10 हो रहा है, और घड़ी अब देखिए फारियों का अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो अभी बच्चे लोग जो है पिकनिक बनाएंगे अपना न्यू ईयर का, बनाया नहीं था इन लोगों ने पिकनिक, तो आज ही बना रहे हैं। और मैं थोड़ा सा कुक कर दूंगी उन लोगों के लिए, और चलिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, चिकन और चावल बनाएंगे बस। और
बच्चे लोग फुल मस्ती में। और इसको मैंने पेंट करवा लिया है, व्हाइट पेंट किया है इसमें बस। और अभी चूल्हा मैंने धरा लिया, आप लोगों ने देखा। देखिए मेरी जो सिस्टर अन्वेषा है वो लहसुन का छिलका वगैरह छुड़ा रही है, प्याज वगैरह कट कर रहे हैं। बच्चे लोग का पिकनिक है तो बच्चे ही काम करेंगे ना, तो मैं थोड़ा उनको गाइड कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि चिकन में बनाऊंगी, बट मेरे अंकल जो है ना बहुत अच्छा चिकन बनाते हैं, मेरे और एक अंकल है वो वीडियो पे नहीं आए, फिर भी मैंने थोड़ा सा शूट किया, लास्ट में ज़रूर दिखिएगा उनको। तो वही चिकन बनाए थे, इतना अच्छा बनाए थे, इतना अच्छा बनाए थे कि सारे बच्चे चाट के खा गए, कुछ भी नहीं बचा। उसका जो ग्रेवी है ना वो बचा था, और बाकी सारा चिकन मतलब बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से खाया, उन्होंने बहुत अच्छा भी बनाया था। और यहाँ पे मैं प्याज वगैरह सब कट करी, और मेरी सिस्टर लोग डांस करी आगे में, तो इसी वजह से मैं भी मुंडी हिला रही थी वो लोग डांस कर रहे थे। और मैं लहसुन अदरक, अन्वेषा ने भी कुछ छीला था, मैं भी कुछ छील रही हूँ, और वो लोग देखिए इधर डांस करने में मस्त हैं। तो सॉन्ग तो मैं डाल नहीं सकती ना फ्रेंड्स, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसी वजह से मैं सॉन्ग नहीं डाल रही हूँ। और ये सब देखिए वो लोग डांस कर रहे थे, और यहाँ पे बच्चे लोग सब बैठे हुए हैं। तो घर का पिकनिक था तो कोई ड्रेस वगैरह तो पहने नहीं थे हम लोग, अभी बाहर जाने का प्लान बना रहे, कहाँ जाएंगे अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो आप लोगों को तो ज़रूर ले चलूँगी मैं साथ में। और यहाँ पे देखिए चावल बन चुका है, और सॉरी चावल चढ़ा हुआ है, और प्याज में फ्राई कर रही हूँ चिकन के लिए। तो मेरे अंकल आ गए थे तो उन्होंने सारा जो है काम कर दिया चिकन बनाने का। और ये मैं चिकन कट कर रही थी, क्योंकि चिकन बहुत बड़े बड़े पीस थे, और इसी वजह से सबको कट कर लूँगी। इसको धो के साफ़ सुथरा करके फिर जो है हम लोग बनाएंगे। तो ये सब मसाले बच्चों ने लाए थे थोड़े थोड़े करके, तो अंकल को मैं सब देती जाऊँगी, वो बनाते जाएंगे। और ये देखिए ये अंकल है, बट वो पूरा नहीं दिख पाए क्योंकि वो मना कर रहे थे मेरा वीडियो मत डालो, फिर भी मैंने थोड़ा सा किया था, नहीं हुआ। और इसकी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अंकल को सारा सामान दे रही थी ना, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। बहुत अच्छा चिकन बनाया था, देख सकते हो आप, ग्रेवी देख के ही आपको पता चल रहा होगा कितना टेस्टी और यम्मी चिकन है, बहुत ही अच्छा बना था। सारे बच्चों ने चट करके खा गए, थोड़ा सा भी नहीं बचा, सिर्फ ग्रेवी बचा था। और ये आ चुकी हैं आंटी मेरी, इनको तो आप हर वीडियो में मतलब कोई कोई वीडियो में आप देखते ही होंगे। तो हम लोग तो सब नाइटी पहनते हैं, आप सबको पता है मैं नाइटी में ही ब्लॉग ज़्यादा बनाती हूँ, तो हमारे यहाँ पर सब नाइटी पहनते तो इग्नोर करिएगा। और ये देखिए सब खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, तो एक ही बार में, मेरा रूम बहुत बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, सब एक ही बार में बैठ जाते हैं, और खाना भी एक ही बार में जो है ना, श्रुति और आंटी सब दोनों खाना परोस रहे थे, मैं बैठी हुई थी। और लाकर ना फ्रेंड्स बहुत फ़ायदा हुआ है, जो भी बोलिए, क्योंकि जो हमारा साल में एक बार श्राद्ध होता है उसमें बहुत दिक्कत होती थी उस रूम में, छोटे छोटे रूम है, मतलब रूम तो अच्छा खासा ही है, लेकिन क्या होता है ना सारे सामान रहने के बाद रूम में जगह नहीं होती है, तो इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था। इस रूम में एकदम प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से बच्चे लोग सब खाना खा रहे हैं। और ये मेरा बड़ा बेटा, तो इसका बाल को मैंने इसलिए कटवा दिया, तो जो मेरे ब्लॉग्स देखते हो सोचेंगे इसको ऐसे क्यों टकला टाइप का किया है। तो फ्रेंड्स इसका ना बाल जो थोड़ा टेढ़ा होता है, तो इसी वजह से सबने कहा कि बाल को अपना छोटा कर दीजिए, तेल लगा के बैठाइए तो बाल बहुत अच्छी तरह से होगा, इसी वजह से। और सब खाना स्टार्ट कर चुके हैं, चिकन दाल और भात बस, और कुछ नहीं। और हम लोग में ज़्यादा उड़िया है, हम लोग तो ज़्यादा टाइम हम लोग का चावल ही बनता है। और बच्चे लोग खाना खाने के बाद आंटी जो है ना पूरे घर की क्लीनिंग कर दी, पूरे घर को उन्होंने जो है ना डीप क्लीनिंग से सरफ वगैरह डाल के उन्होंने बहुत अच्छी तरह से धो दिया, क्योंकि बच्चे लोग खाए थे, जूठा घर था। तो मैंने कहा कि रहने तो मैं सुबह करूँगी, तो फिर भी आंटी ने कहा नहीं नहीं अभी सारा काम कर देते हैं, तो उन्होंने खुद बहुत सारा काम मेरा कर दिया, नहीं तो मुझे दूसरे दिन 12 बज जाते मेरे सारे काम करते करते। लेकिन आंटी ने बहुत हेल्प कर दिया, और आंटी ने सारा घर जो आगे का था वो रूम पूरा क्लीन कर दिया, फिर जो बाकी पीछ घर का जो रूम था ना पोछा वगैरह लगाने का, तो मैंने लगा दिया, क्योंकि बच्चों ने जूठे में ही चुकोड़ के शायद घर में घूम गए होंगे, इसी वजह से आंटी ने कहा कि आगे वाला रूम भी पोछ दो। इसी वजह से मैंने सारा जो है पोछा वगैरह लगा दिया कपड़े से, अभी उससे लगाऊंगी ना तो पंखा लगाना पड़ेगा, फिर सूखने में टाइम लगे इसी वजह से। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है, और अभी हम लोग पिकनिक खा के सब यहाँ पे
आराम से बैठे हुए हैं, देखिए सब चिकन डिनर करके सब बैठे हुए हैं। तो हमारा छोटा सा पिकनिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कोई अगर नए हैं फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने और वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलूंगी आप लोगों को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।